गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास 8 की हिंदी की बुक है बसंत। इसका पहला अध्याय चैप्टर है ध्वनि। इस कविता के राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी। ये कविता मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल कात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब मैं इसका आपको सारांश बताती हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि कह रहे हैं बसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है इसमें उसकी चर्चा की है। उस माहौल की कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है जो बसंत ऋतु की शुरुआत होने पर होता है। अभी तो बसंत की शुरुआत हुई है, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। हरे हरे ये पात डालियां कनियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें इस लाइन में कभी ने कहा है बसंत में डालियां और कनियों छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। कभी ने कहा इसमें कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करते हैं। इससे जब फूल खिलते हैं तो नए सवेरे का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट लाइन है पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। इसमें कहा है बसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को खींचने की कोशिश करता है और हर किसी को जीवन का अमृत भर देना चाहता है हर किसी पे। नेक्स्ट द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें कवि ने कहा है जब फूल खिल जाएंगे तो बसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उनको मनोहारी दृश्य दिखाएगा इस संसार का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।